कल अपन ने त्रिभुजों की संख्या थी, कल एक वीडियो डाला था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, आज अपन डालेंगे वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्ग पढ़ने से पहले सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हमें उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा क्या होती है? समान। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वर्ग। वर्ग में समान भुजा होने के कारण वर्ग कहलाता है। वर्ग का एक सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो देखो अपन गण के देखते हैं, एक दो तीन और ये चार, और ये पूरा का पूरा क्या होगा? पांच। तो ऐसे टाइम वेस्टेज नहीं करना है आपको, सीधा ही ट्रिक लगाना है। इधर भी दो है, इधर भी दो है, यानी कि भुजा स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? दो का। एक का एक, दो का चार, टोटल कितना होगा? पांच। यहाँ पे देखते हैं, एक दो तीन, दो और तीन समान खाने हैं, सीधा सीधा वर्ग कर दो। एक का वर्ग, दो का वर्ग और तीन का वर्ग। एक का एक, दो का चार, तीन का नौ, टोटल 14। टोटल कितना होगा भाई? 14। एक दो तीन चार, दो तीन और एक चार, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग। एक का एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, टोटल कितना आएगा? 30 वर्ग आएगा। कितना आएगा? 30। यहाँ पे देखते हैं, एक दो तीन, दो तीन चार और एक पांच, पांतिया का 15, चार दुनी का 8 और तीन एकम 3, 15 8 3 टोटल 26। टोटल कितना आएगा? 26। एक दो तीन चार, दो तीन चार पांच और ये 6, इधर से उठाना है 6, इधर से उठाना है 4, 6 गुना 4, 5 गुना 3, 4 गुना 2, 3 गुना 1, 6 चौका 24, 5 दिया का 15, 4 दुने का 8 और 3 एकम 3, 11 और 9 कितना होगा? 20, हासिल की 2, 3 और 2 5, कितना आएगा? 50। यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3, दो तीन चार पांच छ और ये 7, इधर से 7 उठाना है, इधर से 3 उठा, 7 गुना 3, 6 गुना 2, 5 गुना 1, 7 का 21, 6 दुनी का 12 और 5 एकम 5, टोटल 38। टोटल 38। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छ और 7, इधर से उठाना है 7, इधर से उठाना है 4, 7 गुना 4, 5 गुना 6 गुना 3, 5 गुना 2 और 4 गुना 1, 7 चौक 28, 5 दिया का 15, 5 दुनी का 10 और 4 एकम 4। आपको पता 8 और 5 13, 13 और 4 17, 13 और 4 कितना? 17। वापस देख लो यहां से क्या उठाना था आपको, 7 और यहां से उठाना है 4, 7 गुना 4, 6 गुना 3, 5 गुना 2 और 4 गुना 1, 7 चौक 28, 6 का 18, 5 दुनी का 10 और 4 एकम 4। यह हासिल की शुभ, यानी कि 8 8 16 और 4 20, हासिल की 2, 4 और 2 6, टोटल कितना आएगा? 60। वापस देख लो मेरे भाई, वर्ग अपन ने पढ़ा, वर्गों की संख्या ज्ञात करा। वर्ग इसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा क्या हो? समान। जब वर्ग में समान खाने हैं तो सीधा सीधा वर्ग कर दो, असमान खाने हैं तो अंतिम खाने को अंतिम खाने से गुणा करो, और गुणा जब तक करो जब तक कि दाएं बाएं क्या ना जाए? एक। कल मैंने आपको त्रिभुज का दिया था, आज मैं वर्ग का दे रहा हूं। आज जो वीडियो डाल रहा हूं और रेगुलर वीडियो डालूंगा आपको जो भी टॉपिक बाय टॉपिक, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि जब आपको ये चैनल पसंद आया जो पढ़ाया हुआ है तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मैं अपलोड करता रहूं, दिखाता रहूं, देता रहूं ऐसे आपकी। धन्यवाद।